हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन लेक्चर्स एंड आई एम योर होस्ट दिनेश कुमार। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया था हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो आइए उस मेथड का एक इलस्ट्रेशन हम कर लेते हैं कि अगर एग्ज़ाम में उस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो किस प्रकार हम उसका आंसर निकाल सकते हैं, कैसे उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। मान लीजिए प्राइस ऑफ अ गुड्स फॉल्स फ्रॉम 6 to 3, यानी कि एक वस्तु की कीमत अगर 6 रुपए से कितनी हो जाती है, 3 रुपए हो जाती है, तो डिमांड फॉर द गुड्स इंक्रीज फ्रॉम 30 units to 60। तो उसकी जो डिमांड है वो 30 से कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। आपको क्या निकालनी है, उसकी इलास्टिसिटी को मेज़र करना है बाय द हेल्प ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि कुल व्यय विधि का यूज़ करते हुए आपको क्या निकालनी है, उसकी इलास्टिसिटी निकालनी है। हाँ जी, हमारे पास प्राइस है, हमारे पास डिमांड है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं, हमारे टोटल एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। देखिए, मानिए 6 रुपये हमारा प्राइस है और 30 वस्तुएं हम खरीदते हैं, तो अगर एक चीज़ 30 रुपये की है, एक चीज़ 6 रुपये की है, तो 30 चीज़ें कितने की हो गई, 180 रुपये हमारे खर्च हो जाएंगे। और अगर कीमत कम हो गई, कीमत कम होने पर आपको मालूम है डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और डिमांड कितनी हो गई, 60 हो गई, तो यहाँ पर कितने रुपये खर्च हो रहे हैं हमारे, 180। देखिए, जब 6 रुपये था तब भी 180 खर्च हो रहे थे, 3 पर भी 180 खर्च हो रहे हैं, मतलब प्राइस के बढ़ने पर या घटने पर आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम ही रहा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिटरी, यानी कि ED इज इक्वल टू 1। जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या हो जाएगी, यूनिटरी, यानी कि 1 हो जाती है। तो ये था बहुत ही आसान तरीका जिसमें हम क्या कर सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का यूज़ करके इलास्टिसिटी को मेज़र किया जा सकता है। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड जो हमने पढ़ा, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। आइए आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट मेथड, जिसका नाम है प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड, यानी कि प्रतिशत विधि, जिसके ज़रिए हम क्या निकालने वाले हैं, हम निकालेंगे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि हमारी मांग की लोच। तो मांग की लोच निकालने से पहले सबसे पहले इस मेथड के बारे में जानते हैं, क्योंकि ध्यान दें सभी, ये जो मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये मेथड बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी प्रतिशत विधि, यानी कि परसेंटेज मेथड की, कि इस मेथड में होता क्या है। कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। इसमें क्या होता है, इसमें एक रेशो लिया जाता है, यानी कि एक प्रोपोर्शनेट मेथड लिया जाता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस, यानी कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने से, यानी कि प्राइस में अगर परसेंटेज चेंज होता है उससे आपकी क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंट चेंज आता है, तो दोनों के बीच में अगर एक रिलेशन निकाला जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी निकाली जा सकती है। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के लिए हम क्या लेंगे, इस बार दोनों में परसेंटेज चेंज लेंगे कि जो प्राइस है उसमें कितना परसेंट चेंज आया, और प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया, तो उन दोनों के बीच में अगर एक रिलेशन निकाला जाए तो उसे क्या कहेंगे, परसेंटेज मेथड टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये जो सजेशन दिया है इस फॉर्मूले का, इस मेथड का, किसने दिया है, मार्शल ने दिया था, ठीक है। तो इट इज़ अ वर्क आउट एज अंडर, उन्होंने कैसे बनाया ये फॉर्मूला, आइए हम जानते हैं। हाँ जी, उन्होंने क्या बनाया हमारा फॉर्मूला, देखिए इस प्रकार हमारा फॉर्मूला तैयार हुआ है। सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, ईडी। ईडी क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि ई का मतलब हो गया इलास्टिसिटी, डी का मतलब हो गया डिमांड। सबसे पहले बात करते हैं इज इक्वल टू, बराबर में जब हम लिखेंगे साइन हमारा, पहले आएगा माइनस का सिग्नेचर। अभी माइनस का साइन क्यों आता है ये हम आपको आगे बताएंगे। तो आपको माइनस का साइन लगाना होगा, उसके बाद प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि क्वांटिटी डिमांड में जो परसेंटेज चेंज आता है वो लिखते हैं हम ऊपर की तरफ, और नीचे लिखेंगे प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, और जो प्राइस में जो चेंज आए हैं, कितने परसेंट चेंज आए हैं, वो कहाँ लिखते हैं, आप नीचे लिखते हैं। याद रखना, प्राइस के कारण ही आपकी डिमांड में चेंज आता है, तो प्राइस में चेंज आया है फिर डिमांड में चेंज आया है, तो प्राइस नीचे और डिमांड जो है क्वांटिटी वो उसमें जो चेंज आया है वो ऊपर की तरफ रखा जाता है। इसी फॉर्मूले को इवेल्युएट करते हैं, तो इवेल्युएट करेंगे तो माइनस का साइन, ऊपर देखिए क्या था, क्वांटिटी डिमांड में होने वाला परसेंटेज चेंज, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो डिमांड में चेंज आया है, मान लीजिए डिमांड पहले 100 थी, अब हो गई 500, कितने का चेंज आया, 400 का चेंज आया, तो जो चेंज आया है डिमांड में वो रखेंगे ऊपर। नीचे रखते हैं इनिशियल डिमांड, मतलब जो पहले थी, पहले कितनी थी 100, अब हो गई 500, तो 100 थी ना पहले, तो पहले जो डिमांड थी 100 वो लिखेंगे नीचे, और गुना 100, गुना क्या करेंगे, 100 करेंगे मल्टीप्लाई, तो
तो ये क्या फॉर्मूला बन गया हमारा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला क्या बन गया, चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय इनिशियल मतलब जो पहले डिमांड थी और गुना 100। तो इस हिसाब से अगर मैं बोलता हूँ कि जो हमारी डिमांड थी पहले कितनी थी, 100 थी, और अब कितनी हो गई, 400 हो गई, तो अब कितने का चेंज आया, 300 का, तो 300 बटा 100 गुना 100। तो इस प्रकार आपका आंसर इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नीचे वाला फॉर्मूला, वो है हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो उसके लिए भी क्या लिखेंगे, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस और गुना 100। मान लीजिए पहले कीमत कितनी थी, 5, और अब हो गई है कितनी, 8। कितने का चेंज आया, 3 का चेंज आया, डिवाइड बाय पहले कितनी थी, 5, और गुना 100 आपको लिखना है। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस और गुना 100। अब बात करते हैं इन दोनों फॉर्मूले को अब हम क्या बना सकते हैं। हाँ जी, देखिए सभी ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने चेंज इन डिमांड और डिवाइड बाय क्या लिखा है, यहाँ पर चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लिखा है। अब अगर क्यू लिख रहा है तो इट मींस क्या है, ये इनिशियल प्राइस है, इनिशियल क्वांटिटी है, मतलब पहले क्वांटिटी क्या थी वो क्यू होती है, और जो चेंज होकर नई क्वांटिटी आएगी उसको क्या मानेंगे हम, क्यू वन बोलते हैं। प्राइस जो पहले था उसे क्या कहेंगे, पी, और जब जो प्राइस चेंज होकर नया प्राइस आएगा उसे क्या कहेंगे, पी वन। अब आया क्लियर आपको, सभी को क्लियर हो गया होगा, क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी जो पहले थी, क्यू वन मतलब जो अब हो गई है चेंज होकर नई क्वांटिटी, पी मतलब जो पहले प्राइस था इनिशियल प्राइस, और पी वन जो अब नया प्राइस हो गया है उसे कहेंगे हम डेल्टा पी वन, ठीक है। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि क्यू क्या है और क्यू वन क्या है, पी क्या है और पी वन क्या है। तो इस प्रकार अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो यहां आप देखिए सभी ध्यान से, फॉर्मूले में इसने क्या कर दिया है, जो हमारी चेंज इन क्वांटिटी था तो क्यू वन माइनस क्यू लिख दिया, डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी यानी कि क्यू, और मल्टीप्लाई 100 था, 100 ऊपर भी है नीचे भी है तो वो तो कैंसिल ही हो गया आपका, तो 100 तो आप उसे हटा ही दीजिए, ठीक है। अब नीचे क्या था, पी वन माइनस पी यानी कि प्राइस में हुआ जो चेंज, हमने यहाँ दिखा दिया, नीचे लिख दिया इनिशियल प्राइस, 100 से 100 कैंसिल हो चुका है। अब आपको पता है कि देखिए डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है, ये होता है चेंज इन क्वांटिटी, और क्वांटिटी ये चेंज कैसे निकलता है, क्यू वन माइनस क्यू, अगर क्यू वन में से क्या घटा दी जाए, क्यू घटा दिया जाए तो क्या आएगा, डेल्टा क्यू। तो देखो क्यू वन माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या बन गया, डेल्टा क्यू बन गया, और जो ये नीचे क्यू था वो वैसा का वैसा ही रहा। सेम इसी तरह पी वन माइनस पी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डेल्टा पी बन जाएगा, डेल्टा पी मतलब प्राइस में होने वाला चेंज, और डेल्टा पी का फॉर्मूला भी वही रहेगा क्या, पी वन माइनस पी। तो इसी प्रकार जैसे डेल्टा क्यू था ना क्यू वन माइनस क्यू, ऐसे ही डेल्टा पी होता है पी वन माइनस पी होता है। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला बन गया हमारा, क्यू वन माइनस क्यू डिवाइड बाई क्यू, पी वन माइनस पी डिवाइड बाई पी, और अगर आपको मालूम होना चाहिए कि क्यू वन माइनस क्यू तो लिख दिया मैंने क्या, डेल्टा क्यू, और डेल्टा पी बना दिया किसको, पी वन माइनस पी को। अब मैथ के रूल के अकॉर्डिंग जब नीचे वाली चीज़ क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है, ये नीचे वाली चीज़ को मैं अगर मैं ऊपर ले जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, जब पलटेगी तो आंसर क्या होगा, माइनस का साइन, ऊपर क्या रहेगा हमारा, डेल्टा क्यू, नीचे क्या है हमारा, क्यू मल्टीप्लाई, जब ये चीज़ जो डिवाइड हो रही थी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये पलट जाएगी, क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा पी और नीचे हो जाएगा डेल्टा पी हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा, देखिए इसने बनाया होगा आगे, बिल्कुल सही दिखा रखा होगा इसने, ये देखिए ये हमारा बन गया नेक्स्ट पॉइंट हमारा। देखिए सभी, इसने क्या कर दिया, डेल्टा क्यू बटा क्यू था, डेल्टा पी बटा पी था, जब ये डिवाइड में था ऊपर लेके गए तो ये क्या हो गया, उलट गया, तो क्या बन गया, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई क्यू मल्टीप्लाई पी बटा डेल्टा पी। अब इस पी को क्या ले जाइए, आगे ले आइए, या इसको इधर ले आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब देखो दो गुना तीन लिखना है या तीन गुना दो लिख दो, क्या कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। टू मल्टीप्लाई थ्री करोगे तो भी सिक्स, थ्री मल्टीप्लाई टू करोगे तो भी सिक्स ही होता है। तो देखो इसने लिखा है डेल्टा क्यू मल्टीप्लाई पी, अब पी को आगे ले आओ, डेल्टा क्यू को वहीं रहने दो, इस तरफ ले आओ, ठीक है, एक ही बात है, नीचे क्यू इस तरफ था और डेल्टा पी इस तरफ था, ये वैसा का वैसा ही रहा, सिर्फ वो वाले चेंज कर दिए। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को मैं बताता हूँ कैसे बनाइए हमारा फॉर्मूला, हमारा पी ऊपर लिखना है, नीचे आएगा हमारा क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी, और एक चीज़ और याद रखना,
माइनस का निशान। अब मैंने आपको बोला था कि लास्ट में माइनस का निशान मैं बताऊंगा आपको क्यों लगाया जाता है, क्योंकि आपकी जो इलास्टिसिटी है वो हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, जबकि प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, एक घटेगी तो दूसरी बढ़ जाती है, तो आपका आंसर माइनस में आएगा। इसलिए उस माइनस के आंसर को पॉजिटिव करने के लिए हम एक और माइनस लगा देते हैं, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, ताकि आपका आंसर क्या हो जाए, माइनस में हो जाए। आइए फटाफट से हम एक बार रिपीट कर देते हैं आपका ये फॉर्मूला। हमारा जो प्रतिशत विधि है, परसेंटेज मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, फॉर्मूला क्या है हमारा, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसमें आपको ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। प्रोपोर्शनेट चेंज को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय इनिशियल डिमांड गुना 100, और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस को हम क्या लिखेंगे, इनिशियल हमारा जो चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस और मल्टीप्लाई 100। उसके बाद हमने क्या किया, क्वांटिटी पहले क्यू थी, चेंज होकर क्यू वन बन गई, और प्राइस पहले क्या था पी, और अब हो गया पी वन, तो क्या बन गया, क्यू वन माइनस क्यू डिवाइड बाई क्यू डिवाइड बाई पी वन माइनस पी डिवाइड बाई पी, 100 से 100 कैंसिल हो चुका है। हाँ जी, जब नीचे वाला पोर्शन ऊपर ले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, और इस प्रकार हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो डेल्टा क्यू डिवाइड बाई क्यू मल्टीप्लाई पी डिवाइड बाई डेल्टा पी बन जाएगा। उसके बाद आपका माइनस का साइन तो जरूर लगाना ही है, और हमारा फाइनली जो आंसर होगा वो क्या होगा, पी बटा क्यू गुना डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी होगा। ये सब पता चल ही चुका है, क्यू इनिशियल डिमांड है, पी इनिशियल प्राइस है, पी वन न्यू डिमांड है, पी वन न्यू प्राइस है, और क्यू वन न्यू डिमांड है। डेल्टा क्यू को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड, और डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्राइस। तो आइए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जिससे आपको ये होप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी मेथड का, परसेंटेज मेथड का। तो एग्जाम्पल में ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िए आप। हाँ जी, मेजरमेंट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय द प्रोपोर्शनेट मेथड इलस्ट्रेट एन एग्जाम्पल। सपोजिंग द प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज 4 कप ऑफ द डिमांड ऑफ 1 कप। याद रखो, जब कीमत कितनी थी, 4 थी, तो एक आइसक्रीम बिकती थी। जब क्या हुआ, इफ़ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल्स टू 2 रुपीस, जब प्राइस कितना हो गया, 2 रुपये, तो आइसक्रीम क्या होएंगी, नॉर्मल सी बात है, लोग ज़्यादा खरीदेंगे। कितनी कर दी आइसक्रीम, 4 आइसक्रीम कर दी, तो यानी कि हमारे पास पहले जो प्राइस था वो कितना था, 4 रुपये। अब जो नया प्राइस है वो कितना बन गया, 2 रुपये। तो बताइए 4 रुपये क्या है, पी, और 2 रुपये क्या बन गया, पी वन। इसी प्रकार पहले क्वांटिटी कितनी थी, 1, तो वो तो क्या था हमारा, क्यू, और नई जो क्वांटिटी आई वो कितनी आई, ये 4, यानी कि ये क्या आ गया हमारा, क्यू वन आ गया। अब पी आ गया 4, पी वन आए 2, इसी प्रकार पी आया, डेल्टा पी कितना हो गया, प्राइस में होने वाला चेंज। अब सोचो पहले प्राइस कितना था, 4, अब कितना हो गया, 2, 2 रुपये कम हो गया, यानी कि माइनस के 2 रुपीज़ आ गया। क्वांटिटी पहले कितनी थी, 1, और अब कितनी हो गई, 4, तो 3 रुपये, 3 क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा हो गई, 3 कप आइसक्रीम के बढ़ गए, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा डेल्टा क्यू। अब फॉर्मूला आपको पता ही है, पी बटा क्यू गुना डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी। ये इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा ये फॉर्मूला। आपको फॉर्मूले के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, सम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पी है, पी वन है, क्यू है और क्यू वन है, इसे हमने डेल्टा पी निकाल लिया और डेल्टा क्यू भी निकाल लिया। अब फॉर्मूले में पुट करना है सिर्फ, और कुछ काम नहीं करना आपको, वो फॉर्मूला दोबारा बना बना के दिखाने की जरूरत नहीं है। जब एग्ज़ाम में अगर सम आ गया तो आपको सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाँ जी, माइनस का साइन, पी पहले आएगा, प्राइस पहले कितना था हमारा, 4 रुपये, तो वो ऊपर रख दिया। नीचे क्या आएगा हमारा, क्यू, पहले क्वांटिटी कितनी थी, 1 कप था, तो 1 कप नीचे लिख दीजिए, मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू, क्वांटिटी में कितने का चेंज आया था, 3 का, तो वो ऊपर लिख दीजिए। प्राइस में कितने का चेंज आया था, माइनस का 2, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 3 12 डिवाइड बाई 2, 12 बाई 2 कितना होता है, 6, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और आप सबको मालूम है जो 6 होता है वो 1 से क्या है, ज़्यादा है, तो आपकी जो इलास्टिसिटी है डिमांड की वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो ये था हमारा परसेंटेज मेथड, यानी कि प्रतिशत विधि। इस प्रकार आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके इस तरह के सम आप इजीली कर सकते हैं। तो आपके जो बुक में, या आप ऑनलाइन चेक कर लें, कुछ क्वेश्चंस हैं आप उन्हें सॉल्व करके देखें, आपको ये मेथड जो है वो इजीली रिवाइंड हो जाएगा। तो आप इसका जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, आप इस फॉर्मूले को कैसे बनाया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल द वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। कमेंट्स फॉर एनी क्वेरी। धन्यवाद।